अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, बिकॉज लोगों के अंदर काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। क्या सर ये जो टॉप क्रिएट हुआ है कि ये फाइनल टॉप है, क्या मार्केट यहाँ से सीधा $10,000 पे जाएगा? काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं, डिटेल में नहीं लेकिन शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे एग्जैक्टली मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। और सभी को एडवांस में ईद मुबारक। ठीक है, ईद की चांद रात आज है, कल वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा तो एडवांस में सभी को ईद मुबारक। और साथ में गाइस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, जाकर तुरंत ज्वाइन कर लो अगर आप फ्री सिग्नल्स चाहते हो तो। काफी लोग बोलते हैं कि सर हमको फ्री सिग्नल्स दो, ये कॉइन के बारे में बताओ, तो भाई प्रॉफिटेबल सिग्नल शेयर किया जा रहा है टेलीग्राम में, लिंक में जो डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। देखो बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन एक काफी लंबे टाइम से, ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो मार्केट ने बॉटम यहां पर क्रिएट किया था ऑलमोस्ट नवंबर मंथ के अंदर, और उसके बाद मार्केट कुछ ना कुछ साइड में मोमेंटम लिया और उसके बाद लगातार मार्केट एक हाई लेवल की तरफ मूवमेंट कर रहा है। देखिए हमेशा याद रखो, कभी भी मार्केट सीधा हाई नहीं जाता है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेम वही सुनहरों का मार्केट ने मेजर पंप किया, फिर एक मेजर डंप आया, करेक्शन जिसको हम बोलेंगे, उसके बाद मार्जिन मार्केट ने मेजर पंप किया तो यहां पर एक अनदर करेक्शन फेज बन रहा है। ये यहां पर करेक्शन क्यों बन रहा है, इसके मेन रीजन यहां पर यह है कि यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट जोन है और एक सप्लाई जोन यहां पर क्रिएट हुई है। तो याद रखो मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट का जो अपना जो सपोर्ट हो सकता है वो तकरीबन 24,500 के करीब हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंट बन रहा है और यहां पर एक रेजिस्टेंट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस रेजिस्टेंट को रिस्पेक्ट करेगा और उसके बाद मार्केट अपसाइड में जा सकता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं तो उनको यही बोलूंगा कि भाई एक तो वीकली क्लोजिंग का वेट कर लो। वीकली क्लोजिंग कैसे क्लोज होती है, 2 दिन 9 घंटा भी बाकी है वीकली क्लोजिंग को, और मार्केट अगर करेक्शन करेगा तो लास्ट 24,500 है, इसके बिलो जाने का चांसेस कम से कम यहां पर हमको देखने को मिल पाएंगे। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं सर यहाँ से डायरेक्टली मार्केट अभी जो है हमारा वो सीधा $10,000 पे जाएगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं मार्केट के बॉटम बनाने के लिए, वो फैक्टर के हिसाब से मार्केट ऑलरेडी बॉटम यहाँ पर बना चुका है। बाकी वही चीज सब है, मार्केट है, किसी का यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं है। मार्केट अगर डाउन जाना है तो फिर ना वो मेरी सुनेगा ना किसी और की सुनेगा, लेकिन टेक्निकल की बात करें तो 24,500 के जोन को आप पर्सनली वॉच करो। सेकेंड DXY को यहाँ पर देखो, बिकॉज DXY यहाँ पर थोड़ा बुलिश हुआ था, राइट? और यहाँ पे मार्केट अगर आप करंट कैंडल को देखेंगे तो एक शेडो क्रिएट कर रहा है। देखिए जब तक मार्केट इस जोन के बिलो नहीं जाएगा तब तक DXY को हम कोई खास बेयरिश मोमेंटम नहीं दे सकते, राइट है? सेकेंड अगर आप इंडेक्स को भी देखेंगे, अगर आप यहाँ पर टोटल मार्केट कैप को देखेंगे तो टोटल मार्केट कैप ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। देखो यहाँ पर एक लेवल था, यहाँ पर एक लेवल था, इसके बेस पर हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, राइट? अब यहाँ पर हो क्या रहा है आपको वो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आते हो टोटल मार्केट कैप में, तो यहाँ पर एक पुल बैक हो रहा है। आपको पता है मार्केट कभी भी कोई जोन को ब्रेकआउट करता है तो वो पुल बैक करता है, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट अपना पुल बैक लेगा और उसके बाद मार्केट वापिस अपसाइड में जा सकता है। देखिए मल्टीपल चीजें हैं, ग्लोबली चीजों के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस हो रहा है, और थोड़ा बहुत फट आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत मार्केट में फट क्रिएट होता है उसके कारण मार्केट करेक्शन करता है, लेकिन टेक्निकल के हिसाब से ये सुनहरों है, ये सुनहरों हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर आप अल्टकॉइन को देखेंगे तो देखिए अल्टकॉइन ने मेजर रेजिस्टेंस हिट किया है। ओके अगर आप इसको वीक में जाएंगे, देखिए ये हमारा अल्टकॉइन का इंडेक्स है, यहाँ पर सेम वही चीज है बिटकॉइन के जैसे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंट है, यहां पर एक रेजिस्टेंट है और यहां पर एक सप्लाई जोन है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा और यहां पर हम इस वाला एक सपोर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं या ये सपोर्ट हम कह सकते हैं, तो दोनों में से जो भी रहेगा मार्केट ये हिसाब से क्रिएट करके अपसाइड में जा सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का, राइट है? मार्केट अगर इसके अबव चला जाएगा तो हमारे लिए एक क्लियर डायरेक्शन रहेगा कि अल्टकॉइन काफी ज्यादा कम हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखो कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेड ब्रेकआउट नहीं करता है, ओके? दे विल टेक सम टाइम, जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेंड है तो मार्केट में भी पुल बैक लेगा इस पे, ओके अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये भी सेम टोटल मार्केट कैप का जो ट्रेंड लाइन है वैसा ही बना हुआ है, ओके okay? तो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर सकता है और फिर यहाँ से पुल बैक लेगा। तो मार्केट में करेक्शन फेस है, ऑब्वियसली बात है करेक्शन फेस है, तो अल्टकॉइन डाउन जाएंगे, सभी चीज डाउन जाएंगे, लेकिन यस इसमें हम बाइंग करेंगे ना कि सेलिंग करेंगे। बिकॉज काफी लोग पूछ रहे कि सर बाय करें सेल करें क्या करें, तो इतना ही बोलूंगा ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि यहां पर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ओके? ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर हमको एक ह्यूज प्रॉफिट बन सके। तो गाइस ये ऑल ओवर अपडेट था मार्केट के बारे में, आपको क्या लगता है पर्सनली कॉमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, डे टू डे आपको अपडेट मिलते रहेंगी।
रमजान शरीफ का महीना भी अच्छे से गुजर गया है। ओके, अब मार्केट में हम अपडेट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो फटाफट जाकर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप ज्वाइन कर लो। फिलहाल के वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद।